दो पर्टिकुलर एनिमल्स में डिवाइडेड होता है, एक यूनिसेलुलर और एक मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर जो होता है वो प्रोटोजोआ होता है और मल्टीसेलुलर जो होता है वो मेटाजोआ होता है। मेटाजोआ इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में डिवाइड होता है। इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स होते हैं, वर्म्स, ऑर्थोपोड्स, मोलस्क, इकाइनोडॉम्स, ये सारे इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। वर्टिब्रेट्स भी कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा में डिवाइडेड होता है और उसमें भी फिशेज आते हैं, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स आते हैं। ठीक है, मैमल्स बेसिकली। अब इन सब चीजों के बारे में हम देखेंगे आगे वन बाय वन। सो क्लासिफिकेशन के बारे में, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन होता है। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे तो किंगडम वन मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये फाइव किंगडम होते हैं। एनिमेलिया किंगडम के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें होता है प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ, जो कि नाउ प्रोटोजोआ को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकिस्टा। ठीक है, ये आपका आता है प्रोटोकिस्टा, दैट इज व्हाट द प्रोटोजोआ को नाउ एक किंगडम के फॉर्म में चलता है। अब बारे में बात करते हैं कि पैराजोआ, मेटाजोआ जो होता है उसमें एक आता है पैराजोआ, एक आता है यू मेटाजोआ। पैराजोआ में आते हैं पोरीफेरा फाइलम जिसमें स्पॉन्स आते हैं। यू मेटाजोआ में कई अलग अलग आते हैं, जैसे कि सिलेंट्रेटा, रेडिएटा जो कि डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, उसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक जिसमें तीन लेयर्स पाए जाते हैं, जैसे कि बाई लेट्रिया। ट्रिप्लोब्लास्टिक, ब्लास्ट का मतलब लेयर्स होते हैं, कितने ब्लास्टिक लेयर्स है। बाइलेट्रिया जो होता है वो क्लासिफाई होता है आपके ए सिलोमेटा जिसमें सिलोम अब्सेंट होता है, सीडो सिलोमेटा जिसमें कि बॉडी सिलोम या बॉडी कैविटी जो होती है वो एक्चुअली बॉडी सीडो सिलोमेट मतलब झूठा सिलोम पाया जाता है, जैसे कि स्कल कहते हैं स्कल हेलमेंथीस या आपका निमेटोडा या स्कैरिस जो होता है, या यू सिलोमेटा जिसमें ट्रू सिलोम पाया जाता है। ठीक है, इसको अगर मैं बात करूं तो यू सिलोमेटा का मतलब है ट्रू सिलोम। ट्रू सिलोम का मतलब होता है दैट इज व्हाट द बॉडी कैविटी, जो बॉडी कैविटी होती है। बॉडी कैविटी के बारे में बात करते हैं, टू बॉडी कैविटी, यहाँ पे फॉल्स पाया जाता है, यहाँ पे बॉडी कैविटी एबसेंट होती है, सिलोम एबसेंट होता है। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग रेखा, वेलकम टू द सेशन। नाउ ईयू सिलोमेटा जो होता है, अब एक क्लासिफाई होता है एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा में। सो वन बाय वन देखने की कोशिश करेंगे। वेरी गुड इवनिंग नीलू, वेलकम टू द सेशन। फाइलम कॉर्डेटा को अलग अलग सब फाइलम में डिवाइड किया गया है, जैसे जैसे अगर मैं बात करूं सो आपके फाइलम कॉर्डेटा को हेमी कॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, यूरो कॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। अब वर्टिब्रेटा में कई सारे फॉर्म्स होते हैं जहां पे अलग अलग क्लासेस होते हैं, पीसीज दस फॉर द फिशेज, एम्फीबिया, फ्रॉग्स, रेप्टाइल कहते हैं रेप्टीलिया दैट इज व्हाट जिसमें लिजार्ड्स आते हैं, एवीज बर्ड्स के लिए, मैमिलिया जिसमें रैट वगैरह आते हैं। मैमिलिया को अलग सब क्लास में डिवाइड करते हैं, दैट इज दैट मोनोट्रीमेटा, ठीक है, मार्सुपेलिया एंड प्लेसेंटेलिया। तो ये अलग अलग क्लासिफिकेशन आपके आते रहते हैं अलग अलग पर्टिकुलर फॉर्म में, और फिर आते हैं आपके ऑर्डर इसी में जिसको बोलते हैं प्राइमेट्स। तो ये क्लासिफिकेशन है किस तरीके से चीजें पूरे एक ओवरव्यू क्लासिफिकेशन बताने की कोशिश करी है कि कैसे क्लासिफाई हुआ है एनिमेलिया प्रोटोजोआ और मेटाजोआ में कन्वर्ट हुआ था। एनिमेलिया जो है प्रोटोजोआ और मेटाजोआ में कन्वर्ट हुआ था, फिर मेटाजोआ जो है पैराजोआ और यू मेटाजोआ, यू मेटाजोआ जो है आपके लेयर के बेसिस पे सिलेंट्रेट, रेडिएटा और बाइलेट्रिया में कन्वर्ट हुआ था, फिर वो सिलोम के बेसिस पे आपके सिलोमेटा, ए सिलोमेटा, सीरो सिलोमेटा, यू सिलोमेटा था। उसके बाद हम क्लासिफाई किए थे उसको कई अलग अलग फाइलम्स, एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा। कॉर्डेटा को अलग अलग सब फाइलम में डिवाइड किया गया, हेमी कॉर्डेटा, सिफेलो कॉर्डेटा, यूरो कॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा को अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया गया, पिसीज, एम्फीबिया, रेप्टीलिया, एवीज एंड मैमेलिया। मेमिलिया को अलग अलग सब क्लासेस जैसे कि मोनोट्रीमेटा, मार्सुपेलिया एंड प्लेसेंटेलिया में डिवाइड किया गया, और उसको फिर हम किस में डिवाइड किए, ऑर्डर में, जो कि प्राइमेट्स आते हैं। गुड इवनिंग उर्वशी, वेलकम टू द क्लास। क्लियर है जी, ओवरऑल क्लियर है यहां तक? चलो एक बात आती है, मलेरियल पैरासाइट के बारे में सुना होगा आपने, प्लाज्मोडियम। लाइफ साइकिल जो होता है इसका साइजोगोनी बोलते हैं इसको। मलेरियल पैरासाइट में लीवर में होता है जिसको बोलते हैं प्री एरिथ्रोसाइटिक साइकिल,
फिर आरबीसी में होता है जिसको एरिथ्रोसाइटिक साइकिल बोलते हैं, और उसके बाद ये दो जगह पे दो ऑर्गन में जाता है पैरासाइट हमारा मॉस्किटो से, स्पोरोजोआइट जो होता है वो लीवर में जाता है, फिर क्रिप्टोजोआइट्स बनता है, फिर क्रिप्टोमीरोजोआइट्स बनता है, फिर आरबीसी में जो होता है उसको बोलते हैं ट्रोफोजोआइट, ट्रोफोजोआइट फिर ब्लड प्लाज्मा में जाता है, फिर ये साइजोन्स बनाता है मीरोजोआइट्स के फॉर्म में, फिर गैमेटोसाइट जो आरबीसी में चला जाता है। सो स्पोरोजोआइट्स लीवर में पहुंचता है, उससे ब्लड में पहुंचता है ट्रोफोजोआइट फॉर्म में, फिर वो गैमेटोसाइट्स के फॉर्म में आरबीसी में पड़ा रहता है। जैसे ही कोई मॉस्किटो हमारे ब्लड को सक करता है तो मॉस्किटो में ये आपका चला जाता है, ये साइजोगोनी जो होता है वो आपका चलता है कहां पे, मैन में। स्पोरोगोनी जो चलता है वो चलता है मॉस्किटो में, फीमेल एनाफिलीज, ठीक है, फीमेल एनाफिलीज के बारे में। इनसाइड द गट, उसके जो गट पे चलता है गैमेटोसाइट, फिर क्या होता है गैमेट्स में कन्वर्ट होता है मेल माइक्रो एंड फीमेल मैक्रो में, ये जाइगोट का फॉर्म करते हैं, यू ऊ काइनेट का फॉर्म करते हैं ओसिस्ट, और ये स्पोरोजॉइट का फॉर्म करता है। ये स्पोरोजॉइट अगेन फिर लीवर में पहुंचता है जब मॉस्किटो बाइट करता है, फिर से वो साइकिल कंप्लीट करता है। ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या मलेरियल पैरासाइट्स का लाइफ हिस्ट्री है। इज इट क्लियर? चलो आगे देखने की कोशिश करते हैं कि इस तरीके से मूव करता है। कई अलग अलग प्लाज्मोडियम के अलग अलग स्पीसीज होते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, फैल्सीपेरम, मलेरी, ओव्यूल। वाइवेक्स जो होता है वो बेनाइन टर्टेनफिरम कॉज करता है, बेनाइन कॉज करता है वाइवेक्स। मैलिग्नेंट कॉज करता है क्या, मैलिग्नेंट कॉज करता है फैल्सीपेरम। क्वार्टन फेवर जो होता है, क्वार्टन कॉज करता है टर्टियन, ये टर्टियन जो होते हैं ये आपके वाइबेक्स और फैल्सीफेरम करते हैं, क्वार्टन कॉज करता है मलेरी, और वो होता है आपका ओवेल या माइल्ड टर्टियन फेवर जो होता है वो कॉज करता है ओवेल, ठीक है। सो ये आपके काम करते हैं कौन, प्लाज्मोडियम वाइबेक्स। इस तरीके से इनको याद रखिएगा, इस पर्टिकुलर फॉर्म में जो वाइबेक्स होता है वो बेनाइन टर्टियन कॉज करता है, फैल्सीपेरम जो होता है वो मैलिग्नेंट कॉज करता है, ओवेल जो होता है वो ओवेल या माइल्ड कॉज करता है, एंड मलेरी जो होता है वो आपका क्या करता है, वो क्वार्टन कॉज करता है, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से चला गया। तो देखने की कोशिश करिएगा, बड़ा ही अच्छा सा कोड बना है, बताओ कैसे कोड बना सकते हो, आप याद रख सकते हो, कभी कभी कंफ्यूज होता है, तो कोड क्या है देखना, ठीक है, कोड क्या है देखने की कोशिश करना। कोड क्या है, मुन्ना भाई एमबीबीएस देखा हुआ है, तो मुन्ना भाई एमबीबीएस में विद्या बालन, ठीक है, याद रखना विद्या बालन, विद्या बालन एफएम रेडियो पे, विद्या बालन एफएम रेडियो पे, रेडियो पे मुन्ना भाई से, ठीक है, मुन्ना भाई से एम से क्वेश्चन पूछ रही थी, क्वेश्चन पूछ रही थी, समझ में आ गया जी। चलो पूरा का पूरा कभी नहीं भूलेगा ये, आप कोड याद रखे रहना, ठीक है। नाउ वी से बी हो जाएगा, वाइवेक्स क्या करता है, फैल्सीपेरम क्या करता है, और उसके बाद मलेरी क्या करता है, ये आपको याद हो जाएगा, और ओवेल से ओवेल आपका, ये तो नॉर्मल नाम आप रिलेट कर सकते हो। उसके बाद कौन कौन सा कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, ये पर्टिकुलर पार्ट देखने की कोशिश करना, ठीक है। नाउ अब देखने की कोशिश करते हैं, स्पोरोजॉइट जो होता है ब्लड स्ट्रीम में होता है स्पोरोजॉइट्स, ट्रोफोजॉइट ब्लड ऑफ द मैन, उसके बाद अमीबुले स्टेज जो होता है आरबीसी में पाया जाता है, कहते हैं सिग्नेट रिंग स्टेज, ये भी आरबीसी में पाया जाता है, और उसके बाद ऊ काइनेट जो होता है स्टमच ऑफ द फीमेल में पाया जाता है। तो ये सारी चीजें जो होती है ये आपके पर्टिकुलर प्लाज्मोडियम इन सब चीजों से रिलेटेड है। नाउ वन बाय वन एक एक क्लासेस और उनके बारे में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, इन्फॉर्मेशन रीड करते हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को लर्न करते हुए चलेंगे। प्रोटोजोआ आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, सिंगल सेल्ड होते हैं, कम इन द डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस रेंजिंग फ्रॉम द अमीबा टू द पैरामीशियम, एंड विद इट फिक्स्ड शेप एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, दे लिव इन द वाइड वैरायटी ऑफ मॉइस्ट हैबिटेट इंक्लूडिंग द फ्रेश वाटर मरीन एनवायरमेंट एंड द सॉइल। प्रोटोजोआ डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन, टाइप्स के बारे में बात करते हैं। ये यूकेरियोट है, यूनिसेलुलर होते हैं, सेल वॉल लैक होता है, अब्सेंट होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोटोजोआ आप कुछ अभी हम देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, जैसे कि ये फूड की तरह एक्ट करते हैं, सम एल्गी जो होते हैं फूड चेन में लिंक करते हैं, लिंक इन द फूड चेन। इसके अलावा कुछ आपके
टर्माइट्स होते हैं, इन द केस ऑफ टर्माइट्स दे हेल्प इन द डाइजेशन, टर्माइट्स में डाइजेशन का हेल्प करते हैं। तो अलग अलग जगह पे कुछ जो कि विद द स्टोनी सेल्स एंड गेट फॉसिलाइज्ड फॉर्म ऑफ द लाइन स्टोन एंड द चौक, ये कभी कभी फॉसिल्स की तरह भी यूज करते हैं, प्रोटोजोआस मलेरियन भी कॉज करते हैं। दिस इज व्हाट द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स या डिस्टिंग्विश फीचर्स ऑफ द प्रोटोजोआ आर गिवन बिलो। क्या क्या होते हैं? सेल वॉल नहीं होता, डू नॉट हैव द सेल वॉल, सेल वॉल नहीं है। उसके बाद बात करते हैं कि इनके पास रिजिड सेल इनऑर्गेनिक मटेरियल आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, इनऑर्गेनिक मटेरियल पाया जाता है आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। अगर बात करते हैं कि ड्यूरिंग इंटायर लाइफ दे हैव अबिलिटी ड्यूरिंग देयर इंटायर लाइफ साइकिल और पार्ट ऑफ इट मूव बाई लोकोमोटर, लोकोमोटर ऑर्गेनल या ग्लाइडिंग मैकेनिज्म से भी ये मूव कर सकते हैं। उसके अलावा हेटरोट्रॉफिक मोड होता है न्यूट्रिशन का, हेटरोट्रॉफिक मोड होता है न्यूट्रिशन का, फ्री लिविंग भी होते हैं कई कई जगह पे, यूनिसेलुलर होते हैं, माइक्रोस्कोपिक है, ऑल सिमेट्रिसेस आर प्रेजेंट विद द नंबर ऑफ ग्रुप, जर्म नेल नहीं पाया जाता, नो ऑर्गन और टिश्यूज आर फॉर्म्ड। ये कुछ जनरल डिस्टिंग्विश फीचर्स होते हैं जो कि आपके प्रोटोजोआ में होते हैं। इज इट क्लियर? सेल वॉल नहीं है, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स ऑर्गेनिक पाए जाते हैं, लोकोमोटर या ग्लाइडिंग मैकेनिज्म से ये बहुत सारी चीजें सर्वाइव कर सकते हैं। अगेन मैं बोल रहा हूँ, डाइवर्सिटी में चीजें आपको रिकॉल ही करनी पड़ेंगी। लेट्स सी व्हाट आर द फाइलम पोरिफेरा, पोरिफेरा में क्या क्या चीजें होती हैं। इसको बोलते हैं एटाइमोलॉजी, लैटिन पोरस से आया था, जहां पे की फॉर्म्स द पोर्स, ठीक है, पोर्स यहाँ पे पोरिफेरा और फेरी से होता है बियर, ठीक है, तो इसी चीज से ये रिलेट किया गया था। प्रिमिटिव इनवर्टिब्रेट एनिमल कंप्राइजिंग द स्पॉन्जेस, जो स्पॉन्ज होते हैं, हैविंग द सेलुलर ग्रेड ऑफ कंस्ट्रक्शन, सेलुलर ग्रेड ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है, विदाउट टिश्यू और विदाउट ट्रू टिश्यू और ऑर्गन, बिना टिश्यू और ऑर्गन के ये फॉर्म करते हैं। नाउ देखना क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं पोरीफेरा के। पोरीफेरा मतलब पोर फेरी, पोर बियर करने वाले। नो डेफिनेट सिमेट्री, सिमेट्री डेफिनेट नहीं होती, मल्टी सेलुलर होगा, फ्यू टिश्यूज, नो ऑर्गन्स, कोई ऑर्गन नहीं होता, कुछ टिश्यूज होते हैं। सेल एंड टिश्यूज सराउंडेड बाय द वॉटर फिल्ड स्पेसेस बट नो ट्रू बॉडी कैविटी, कोई भी ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होती। ऑल आर सेजाइल, व्हाट इज सेजाइल, द लीफ अटैच्ड टू समथिंग एज एन एडल्ट, जब तक एडल्ट नहीं हो जाते वो क्या करते, कहीं से कहीं अटैच होते हैं। रिप्रोडक्टिव सेक्सुअली और एसेक्सुअली बोथ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन बी आइदर, कहते हैं गोनियोकोरिस्टिक्स और हर्मोफ्रोडिटिक, हर्मोफ्रोडाइटिक हो सकता है या गोनियोकोरिस्टिक्स हो सकते हैं। नो नर्वस सिस्टम, कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं होता। इनके लार्वल स्टेज हैज अ डिस्टिंक्ट लार्वल स्टेज विच इज द प्लैंक्टोनिक एंड लीव्स इन द एक्वेटिक एनवायरमेंट, मोस्टली मरीन्स होते हैं एंड फिल्टर फीडर्स होते हैं, बेसिकली फिल्टर फीडर्स होते हैं। इज इट क्लियर? अब प्लैंक्टोनिक का क्या मतलब होता है जी, व्हाट इज दैट प्लैंक्टोनिक, जो लार्वल स्टेज होता है, व्हाट इज दैट प्लैंक्टोनिक, कैन एनीबडी टेल मी? हाँ जी, किसी को पता है प्लैंक्टोनिक का मतलब? चलो ढूंढना फिर बैठ के, ठीक है, तब पता चलेगा कि प्लैंक्टोनिक का क्या मतलब होता है। आगे मूव करते हैं द मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में होता है फोर लूजली डिफरेंटिएटेड सेल्स होते हैं। एक होता है पिनाकोसाइट्स, जो कि आउटर सेल्स कवरिंग स्पॉन्ज होते हैं, इक्विवेलेंट टू द एपिडर्म, आउटर सेल्स कवरिंग होते हैं। फिर उसके बाद पोरोसाइट्स, जो कि पोर्स करते हैं, लाइन द पोर्स, पोरोसाइट्स, जहां से वॉटर जो होता है वो मूव करता है। उसके बाद आता है क्वानोसाइट्स, सिमिलर टू द क्वानोफ्लैजलेट्स, क्वानोफ्लैजलेट्स जैसा होता है, मे ऑल्सो प्रोड्यूस स्पर्म, दैट इज व्हाट अमीबोसाइट्स, अमीबा लाइक सेल्स फाउंड थ्रू आउट द स्पॉन्ज स्टोर एंड डाइजेस्ट फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड। उसके बाद आता है लार्ज अमीबोसाइट, दैट इज व्हाट द डिस्ट्रीब्यूट फूड टू द अदर सेल्स। इज इट क्लियर? एंड मूव बाय द सीडोपोड्स, सीडोपोड से मूव करता है, झूठा पैर होता है, सीडोपोड्स मतलब झूठा पैर। These are the morphological structures, कौन कौन से, पिनाकोसाइट्स, पोरोसाइट्स, क्वानोसाइट्स, अमीबोसाइट्स एंड इन सब का फंक्शन क्या होता है, ये याद रखना। Hey guys, my name is Viren Singh. So,
अनएकेडमी पे मैं प्लस और आइकॉनिक के लिए पढ़ाता हूँ, तो क्रैक करिए CSIR को विद मी वीरेंद्र सिंह ऑन अनएकेडमी, जहाँ पे कई सारे कोर्सेज जो हैं वो चलते रहते हैं। अगर मैं आपसे बात करूँ, सो प्लस कोर्सेज इज ऑल्सो देयर, जहाँ पे इंडियाज बेस्ट एजुकेटर लाइव क्लासेस कोर्स एंड PDF एंड क्विजेस मिलते हैं। आइकॉनिक में इन सबके अलावा आपको पर्सनल कोच, पर्सनलाइज डाउट सॉल्विंग, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल्स, SOP एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो यूज़ करें रिफर कोड वीरेंद्र लाइव टू गेट द 10% डिस्काउंट। वेरिस बैच कोर्सेज इज रनिंग, बैच 2, 5 एंड 7। इन बैच कोर्सेज में भी आप जुड़ सकते हैं, या तो इंडिविजुअल कोर्सेज में भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे यूनिट 13, 8 एंड डिफरेंट यूनिट्स जो है मैं डील करता हूँ। प्लस के जो फीचर्स है, जहाँ पे फुल लेंथ कोर्सेज, MCQs एंड PYQs, न्यू बैचेस एवरी वीक, डेडिकेटेड डाउट सेशंस, वीकली क्विजेज इन एवरी कोर्सेज, फुल मॉक टेस्ट एंड ऑल सब्जेक्ट्स बायलिंगुअल आपको मिलते हैं। इसके अलावा आइकॉनिक में आपको मिलता है कई सारी चीज़ें। इन सब के अलावा हम और सारी चीज़ें इंटरव्यू गाइडेंस के लिए, प्रेजेंटेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स, रिसर्च मेथडोलॉजी, सिनेप्सिस, प्रोजेक्ट प्रपोजल राइटिंग्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें भी आपको प्रोवाइड कराते हैं। सो जुड़िए अनएकेडमी के साथ, 6 मंथ की कॉस्ट इतनी है। अगर आप प्रिफर कोड वीरेंद्र और वीरेंद्र लाइव यूज़ करते हैं तो आपको इस पर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा आप मेरे साथ स्पेशल क्लासेस में भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस फ्री होती हैं। पोस्ट द लर्नर का ऑप्शन यूज़ करिए, रेज योर हैंड का ऑप्शन यूज़ करिए, डायरेक्ट अपने एजुकेटर से बात करिए। नेवर मिस ए क्लास, लेक्चर नोट्स एंड एक्सेस एनी टाइम एनीवेयर, ये चीज़ें ले सकते हैं। स्पेशल क्लासेस कई सारी जो है आपके मेरे प्रोफाइल पे जाके अवेलेबल हैं, देख लीजिए, और अपकमिंग भी वहाँ से मिल जाएंगे। इसके अलावा ऑफर्स चल रहे हैं 12+2 27 अक्टूबर तक, और 6 मंथ सब्सक्रिप्शन पे 1 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा। 31 अक्टूबर तक ऑफर है, 24 मंथ सब्सक्रिप्शन के लिए 3 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा। ये आपको मेगा ऑफर जो चल रहा है। आस्क अ डाउट फीचर भी आ चुका है, इसका फीचर भी यूज़ कर सकते हैं आप अनएकेडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे, एंड 1-to-1 लाइव मेंटरशिप भी अवेलेबल है अनएकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। सो हर यंग गाइस, सब्सक्राइब नाउ एंड यूज द रेफरल कोड वीरेंद्र और वीरेंद्र लाइव टू गेट द 10% डिस्काउंट। लेट्स क्रैक इट।